नमस्कार इनकुंजा दोस्तों, आज हम जाने वाले हैं ऐसे इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे जिसका नाम है ईडियन, और ये बहुत ही बड़ा वाला है, मतलब इलेक्ट्रिक शॉप, गुडीज, ऐसा एक्शन फिगर होता है। आज जाके एक्सप्लोर करेंगे सब कुछ। सूरज आया हुआ है, एकदम अच्छा मौसम है, निकलते बाहर चलो। तो हम यहाँ पे आ गए हैं, ये बस तो आ गई लेकिन ये हमारी बस नहीं है। इसमें जाते तो हमको फ़ायदा हो जाता क्योंकि ये खाली है, शायद हमारा भी खाली आ जाए तो अच्छा होगा। हम जाने वाले क्योतो स्टेशन, वो योदोबाशी क्योतो स्टेशन के सामने ही है और धूप भी बहुत अच्छी है और ये गाड़ी भी अच्छे से आ गई, लेकिन अगर हमारी वाली गाड़ी ज़्यादा भीड़ में आ जाए तो हम कभी कभी छोड़ देते हैं क्योंकि वो बैठने की जगह नहीं होती है ना, और बहुत सारी चीज़ें होते हैं जैसे कि अभी इसमें सीट है, आगे की सीट क्या होती है कि वो इल्डरली पैसेंजर के लिए, या फिर जो व्हीलचेयर में है, या फिर जो भी मतलब है ना, कुछ अंदर के कुछ पीड़ित, या फिर जो कुछ भी होता है ना डिजीज़, या फिर है ना कुछ प्रॉब्लम, उन लोगों के लिए होता है पीछे की सीट हमारे लिए बेस्ट रहती है। तो पीछे की सीट जब खाली नहीं रहती मैं तो जाता ही नहीं हूँ। अब यहाँ पे चेंज हो गया एडवर्टाइजमेंट, संतोरी बियर का है, ये एनिमे की कुछ पिक्चर लगी है, कौन सी एनिमे की है मेरे को पता नहीं, और आपको पता है तो कमेंट कीजिएगा। और रोड तो आपको पता ही होगा एकदम अच्छी है यहाँ पे। तो हम आ गए हैं ये एवन मॉल में, और सबसे पहले मेरे को पता नहीं कैसे मैं लाइट के एरिया में आ गया। यहाँ पे लाइट है और यहाँ पे फ्रीजर, और ये देखो कितनी अच्छी छोटी सी सब कुछ ज्यादा कितनी क्यूट सी है ना, ये इसको रेतो को बोलते हैं, ये मतलब रेजो को होता है, एक रेतो को होता है, फ्रीजर और रेफ्रिजरेटर दो वर्ड हो गए यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसका प्राइस आप देख सकते हैं, इसका ये सस्ता है, ये मित्सुबिशी की है, मित्सुबिशी की अच्छी होती है, मित्सुबिशी की अच्छी भी होती है और सस्ती भी होती है, इसलिए मैं रहता हूँ मित्सुबिशी। इतना एडवर्टाइजमेंट नहीं करना था मेरे को। और यहाँ पे वाशिंग मशीन हो गई, आपको मैंने बोला था कि सब दिखाऊंगा, ये वाशिंग मशीन की प्राइस भी देख लीजिए आप। मैं तो अब पढ़ने वाला नहीं हूँ क्योंकि मेरे को तो आजकल डर लगने लगा है प्राइस देखकर। ये जो होता है ना, ये ऐसे ये फेस वाला, एक ऊपर से डालने वाला होता है, एक यहाँ से डालने वाला, यहाँ से डालने वाला महंगा होता है, देख लो। मेरे को यहाँ पे आके एकदम मज़ा आता है क्योंकि मैं जब पहले जिस एरिया में बैठता था तब ईडियन था, लेकिन मैं जब आज के एरिया में जहाँ बैठता हूँ ना वहाँ पे ईडियन नहीं है, ये थोड़ा सा दूर आना पड़ता है। ईडियन का नाम मतलब होता है कि यहाँ का सबसे अच्छा वाला इलेक्ट्रॉनिक शॉप, EDION। आपको मैं लोगो भी दिखा दूंगा बाद में, ये है, और ये हिताची की है, हिताची सब मतलब एकदम क्लासिफाइड कर दिया है यहाँ पे, जैसे कि कितने लोगों के लिए है वह, मतलब जैसे देखो 450, 3 से 4 लोगों के लिए, 4 से 5 के लिए 500, 550 ऐसे करा दिया। और यहाँ पे रैंकिंग भी है, नंबर 2 है ये नंबर 3 है, ये नंबर 1 है, ये देखते हैं नंबर 1 क्यों है ये। एक तो प्राइस देख लो ये इसकी, और मेरे को लगता है ये अच्छी है क्योंकि इसकी स्पेस ज़्यादा है इसमें, है ना, और इसमें 10 ईयर की शायद गारंटी भी है, इसकी वजह से ये यहाँ पे मतलब स्पेस देखो, स्पेस इतनी सी है, 68.5 सेंटीमीटर इंटू इतना, मतलब इसका तकासा है और ब्रेथ और विड्थ है, मतलब इसका कितना लेंथ होगा वो यहाँ पे लिखा हुआ दिया है। और इसके साथ ही मेरे को लगता है कि इसमें मतलब बिजली का बिल जो होता है वो कम आता है, मेरे को लगता है, मेरे को अच्छे से तो पता नहीं, मेरे को देख के वो लगता है यहाँ पे, इसलिए उसको रैंकिंग 1, ये 2 है, ये 3 है। अब इसको छोड़ते हैं, हम AC की तरफ जाते हैं।
और एसी की तरफ जाते हुए मैं आपको सब एरिया दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो वहाँ पे है एसी की एरिया। और यहाँ पे भी यही है, 10 एरिया 10 ईयर वारंटी है, मतलब 10 साल के लिए वारंटी, गारंटी और वारंटी दोनों दे रखी है। और यहाँ पे लिखा है कि 10,000 डिस्काउंट है, 10,000 के डिस्काउंट है ये प्राइस में, मतलब शायद कुछ कैंपेन होगा, अब क्रिसमस भी आने वाला है तो शायद उसका कैंपेन होगा। यहाँ पे बहुत सारे एसी है, मेरे को एसी तो नहीं दिखता यहाँ, यहाँ पे आके मेरे को एसी की तेसी बोलता हूँ मैं, क्योंकि एसी जो होता है रिसाइकल में सस्ते मिलते हैं, यहाँ से ज़्यादा एसी हो गए, फ्रीज हो गए और वॉशिंग मशीन हो गए जो एकदम अच्छी मिलते हैं रिसाइकल में, क्योंकि ये लोग किसी भी सामान को ना पुराना होने से पहले ही फेंक देते हैं। अब ये हो देख लो, डाइकिन के एयर फ्रेशनर या फिर हीटर भी बोल लो तुम लोग, यहाँ पे सब कुछ इसके फीचर्स दे चुके हैं। और यहाँ पे ओसुसु में बोलते हैं, ओसुसु में मतलब रिकमेंडेड, ये रिकमेंडेड है क्योंकि ये ओसुसु में है, क्योंकि ये इसका ये फीचर है, इसका मतलब टकासा, ये मतलब लंबाई इतनी है, ये सबसे लंबा दिख रहा है, उससे ज़्यादा जो लंबा है, स्मार्टफोन से कंट्रोल होता है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, कोल्ड में हॉट में क्या क्या डिफरेंसेस है वो लिखा है यहाँ पे, जाते हैं। अब यहाँ पे ये मशीन जो है मसाज की मशीन है, जो हमको मतलब मैं बैठ भी सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये हमको ट्राई करने के लिए दिया है कि तुम लोग ट्राई करो और देखो, अगर अच्छा लगा तो लेके जाओ, अच्छा नहीं लगा तो भी कोई बात नहीं। अब यहाँ पे ये ग्राइंडर है, मिक्सर है। अब ये देखो, जैसे कि मैं यहाँ पे बैठ गया मानो, और मैं यहाँ पे मसाज करने लगा, और मेरे को लगा कि ये तो बहुत अच्छा है, मेरा तो घर नज़दीक है, मैं तो रोज़ आऊँगा, तो भी कोई नहीं होगा, सब कुछ कुछ नहीं बोलते हैं लोग, आकर भी कुछ नहीं होता, लेकिन मैं तो अब दूर बैठता हूँ इसलिए नहीं आता मैं रोज़ाना। देख लेते, वहाँ पे हीटर है, आपने देखा होगा, और यहाँ पे वो क्या कहते हैं वैक्यूम क्लीनर है, ये सबसे महंगा है और सबसे अभी फेमस जापान की, ये पॉप डाइसन कंपनी की। जापान में ना ट्रेंड, एक ट्रेंड चलती है कि इस ट्रेंड में ये कंपनी बहुत ही फेमस है, उस ट्रेंड में वो, जैसे होंडा हो गई, कभी कभी होंडा होती है, कभी कभी यामाहा होती है, कभी कभी डाइसन हो गई, सार्क हो गई, ऐसे ऐसे कंपनी ट्रेंड करती है, ट्रेंड करते वक्त वो उसकी प्राइस भी ज़्यादा होती है और ज़्यादा बिकती भी है वो। हम देखते जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं बाहर की क्लीनिंग के लिए भी है, जैसे कि ये देख लो, गार्डन क्लीनिंग लेकर बहुत सारी चीज़ें के लिए। हम तो फिलहाल देखने आए हैं, आज देखते जाते हैं कैसा कैसा है, सब कुछ छान मार लेंगे आज। यहाँ पे देखो कितनी अच्छी, ये कितनी अच्छी है देखो, मेरे को ये वो स्नेल जैसी लगी, स्नेल जैसी नहीं लग रही है, आयरन से ज़्यादा स्नेल लग रही है, सर्फिंग बोर्ड लग रही है ये। यहाँ पे गैस है, ये देख लो गैस स्टोव, गैस कोंडो, यहाँ पे 25 टैक्स के साथ 25,800 25,800। ये भी देख लो, यहाँ पे अब जो बॉन्ड करने की चीज़ें होती हैं ना, तो यहाँ पे ये बॉन्ड करने के लिए, मतलब जो भुटाम भुटाम आग में जलाते हैं ना, वो करने के लिए ये, और गैस तो यहाँ पे हो गई। बहुत सारे फीचर्स है आपको यहाँ पे, मैं दिखाने लगूँगा तो मेरे को खुद को पता नहीं होगी कुछ चीज़ें। और यहाँ पे फ्रिज हो गई, फ्रीज़र ज़्यादा होती है, मैंने बोला था ना आपको। अब यहाँ बच्चे की देखो, बच्चों के लिए टॉय है, ये 380 की है। यहाँ पे टॉय भी अच्छी है, लेकिन यहाँ से अच्छी टॉय और जगह पे मिलती है, इसलिए मैं यहाँ से ज़्यादा लेता नहीं हूँ। लेकिन ये पोकेमोन का ये चार जोड़ देखिए, मॉन्स्टर कलेक्शन का ये है, और यहाँ पे पिकाचू देखिए, और यहाँ पे जो भी मॉन्स्टर कलेक्शन, मतलब जो भी पोकेमोन है, पॉकेट मॉन्स्टर, वो यहाँ पे बहुत ही अच्छे दिए गए हैं।
और मेरे को लगता है कि जो भी पोकेमॉन है, पॉकेट मॉन्स्टर जो भी है, वो यहाँ पे मेरे हिसाब से अच्छे सस्ते में मिल गए। और मेरे को आई रियली लाइक इट, सो मेरे को लगता है यहाँ की किफ़ायती भी है, क्या कहते हैं, और बच्चों के फ्रेंडली भी है। जैसे कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि मुँह में डाल देते हैं, खेलते खेलते मुँह में डाल देते हैं, उसके लिए बहुत ही अच्छा रहता है और वो कुछ हार्म नहीं करती, इसलिए मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छे हैं। सब कुछ है यहाँ पे, आप पोकेमॉन देखते हो तो आपको पता होगा कि कितने सारे पोकेमॉन है यहाँ पे, सब कुछ है। अब जो फेमस है वो आगे है, जो फेमस नहीं है वो रख दिया है कॉर्नर में, आप ले सकते हैं कहीं पे जाके। और यहाँ पे क्लॉक है, आप देख लो, यहाँ पे सारा क्लॉक का कॉर्नर है, मैंने कल भी दिखाया था। और अब जाते हैं हम दूसरे एरिया में। आज मैं शायद यहाँ पे, मैं तो यहाँ पे जब आता हूँ ना, मेरे को तो बाहर निकलने का मन नहीं करता। यहाँ पे भी टोए हैं, वो ये तो बैड ऐसे यार। यहाँ पे गॉडज़िला भी है, लेकिन ये या नहीं नहीं ये नहीं, ये कुछ मॉन्स्टर है, कौन है, किसी भी एनिमे का जो मॉन्स्टर होते हैं ना, वो मॉन्स्टर भी यहाँ पे बना के रखे हैं। अब ड्रैगन हो गए, ये बच्चे लोग, ये लड़की के लिए, ये लड़की के हो गए, तो हम वो इसको स्किप कर देते हैं। यहाँ पे प्रिंटर है, ब्रोदर के, ब्रोदर का प्रिंटर जहाँ पे भी फेमस है, यहाँ पे नहीं, जिस जगह में भी जाओ ब्रोदर्स का प्रिंटर बहुत ही अच्छा होता है। और उसके बाद कैनन, कैनन का मैं दिखा देता हूँ आपको, ये कैनन का है, ये इप्सन का है। और हम अभी शायद कंप्यूटर के एरिया में आ गए, और आपको ईडियन का मैं लोगो दिखाऊंगा बोला था ना, वो है ईडी और पावर का स्विच ION, ईडियन। और यहाँ पे आपने देख सके मेमोरी कार्ड है, रील के मतलब जो कैमरा में डाल मेरे रील होते हैं ना, वो भी है। और यहाँ पे ये देखिए कूल कलेक्शन, बैंडाई की शॉटगन तो नहीं है लेकिन गन है, और यहाँ पे भी गन है नर्फ की बुलेट्स है, ये भी बहुत अच्छी है, ये भी बहुत अच्छी है। इसकी प्राइस मैं आपको बता दूँ तो शायद 2680 है मेरे हिसाब से, और ये बुलेट के 570, ये गन की 990 है, लेकिन टैक्स के साथ 1200 के अराउंड है। और यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, जैसे कि ये तार काटने की चीज़, ग्लू हो गई, बहुत सारी चीज़ें, मतलब मैं देखते देखते मेरे को ख़रीदने का जी कर रहा है यहाँ पे। देखो कैसे कैसे चीज़ मिल जाते हैं, ऐसे चीज़ तो मेरे को ले घर लेके जाना है यार सारा, ये मेरे को नहीं चाहिए। अब यहाँ पे पूरे के पूरे टोए है, ये नेवरलैंड है, नेवरलैंड इसका मतलब नाम दे दिया है, नेवरलैंड बच्चों के लिए, मतलब मेरे लिए भी है ये। पसंद आता है यार ऐसे एरिया में जाने के। देखो यहाँ पे वेजी टाका है, ये 2750 की एक आपका सेट है, जिसको फिगर है, आपको बनाना पड़ता है खुद ही। और भी है, पावर रेंजर भी है यहाँ पे, और ये भी है, ये अब किसका है वो तो मेरे को नहीं पता, ये हो गया, ये हो गया। और यहाँ पे ये देख लो पोकेमॉन की यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, देख लो यहाँ पे पिकाचू भी है, और पिकाचू की फिगर कलेक्शन भी है, देखो ये सर बहुत सारी चीज़ में ट्रांसफ़र हो जाता है बोल रहे हैं लोग। अब मैंने खोल के तो नहीं दिखा है इसको। अब यहाँ पे ये बच्चे की टॉय, ये तो कुछ ज़्यादा ही बच्चे का हो गया। ए पाव पाव, ये मेरे को पता है, ये निकनोडियन में आते हैं ना पाव पेट्रोल, मैंने बच्चे को पढ़ाते हुए ये देखा था, ये लोग मार्शल चेज लूमा, ये लोग, और ये भी हो गए, बहुत सारी चीज़ें यार यहाँ पे तो। अरे यार यहाँ पे आओ तो मेरे को जाने का। अब यहाँ पे देखो मास्टरपीस तुम देखो, यहाँ पे जापान का मास्टरपीस देखो तुम। अब आ रहे हैं हम हेवन में, ये देखो तुम लोग PS5 यो मैन PS5, यहाँ पे देखो PS4 है, यहाँ पे सारे गेम के कलेक्शन है, यहाँ पे सारे के सारे। अरे बाप रे,
गूज़बम्प्स आ जाते हैं यार कभी कभी तो। यहाँ पे देखते हैं सीढ़ी, बहुत सारे सीढ़ी हैं यहाँ पे, सब के सीढ़ी है। एसेसिन क्रीड के और सीजन सन, बहुत सारी चीज़ें यार यहाँ पे तो। एलेक्स मेरे को इतना ज़्यादा मतलब एक ही जगह भी नहीं था जो मैं पहले में गया था ना उसमें, ये एक ही साथ नहीं था, बहुत बहुत डिफरेंट एरिया में थे। यहाँ पे सब एसेसिन क्रीड हो गई, सर्च टू हो गई, स्नाइपर हो गई, डाइंग लाइट हो गई, जीरो जेरो हो गई, सेरो हो गई, सब यहीं पे। सुपर मारियो के भी यहीं पे, डोरेमोन भी यहीं पे। यहाँ पे ये डोरेमोन में खेलते थे ना, ये जिक्सो पजल जैसा, जिक्सो पजल नहीं है वो शतरंज जैसा। यहाँ पे बहुत सारे मारियो के भी एक्शन फिगर है, यहाँ पे एक डॉल है और भी बहुत कुछ आप देख सकते हो। मैं तो देखते देखते यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे मेरे को निंटेंडो स्विच के लिए। यहाँ पे बहुत फेमस है ये चीज़ें, ये फुरोई में बेच रहे हैं, मतलब जो किसी ने यूज करके दिए है वो ही बेच रहे हैं यहाँ पे थोड़े से सस्ते में। बहुत सारे गेम है यहाँ पे, सब कलेक्शन है, जो भी चाहिए रहता है वो सब कुछ यहाँ पे है। ये देख लो यहाँ पे देखो ड्रैगन, ये देख रहा था मैं काकारोत, काकारोत ये मिल गया यार मेरे को, मतलब ये मैं ढूंढ रहा था, यही देखने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पे मिल गया। और ड्रैगन बॉल फाइटर भी है यहीं पे। और यहाँ पे देखो भाई क्या है, वन पीस 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 पीस, बहुत सारी मोड है यहाँ पे। ये बहुत ही बढ़िया था यार, ये बढ़िया था, वो बढ़िया था। और आपको मैं बता दूँ कौन सा अच्छा है, सभी अच्छे हैं यार, क्या बोलूँ। मैं सबसे अच्छा तो वही लगा, अरे स्पाइडरमैन माइल्स मोरल ये भी बहुत फेमस है यहाँ पे। और लेगो के हो गए, लेगो के इनक्रेडिबल्स, इनक्रेडिबल फैमिली हो गई, और स्टार वार से बहुत स्पाइडरमैन हो गई, बहुत सारे स्पाइडरमैन के ज़्यादा है, कॉल ऑफ ड्यूटी हो गई, ज़्यादा चीज़ें हैं यहाँ पे। मैं तो देखते देखते फैन हो गया ये एरिया का, मैं दूसरी बार भी आऊँगा पक्का यहाँ पे। ये देखो कितना अच्छा है यार, इतना अच्छा कलेक्शन मैंने आज तक कहीं पे भी नहीं देखा था। ये लोग का मतलब कलेक्शन ज़्यादा अच्छा है, और जो भी डिज़ाइन है ना ये लोग बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। किसी भी एरिया में मैंने इतना अच्छा डिज़ाइन मैंने देखा नहीं था, इतना सजा कर सब कुछ अच्छे से एक ही जगह में। देखो यहाँ पे भी है एक्शन फिगर जो भी है, बहुत सारे हैं यार। मैं एक अभी तो मैं नहीं ख़रीदूँगा, लेकिन मैं ख़रीदूँगा तो ये ख़रीदूँगा, 5280 की है, ये भी अच्छी है। इससे मेरे को दूर लेके जाओ यार कोई, अरे क्लासिक है यार ये तो, बहुत अच्छी है, 7700, जो अच्छी है वही महंगी होती है, क्या करें। और यहाँ पे स्केट बोर्ड है जो एक वन व्हील वाली, ये वाली आपको पता होगा, कास्टर बोर्ड या फिर क्या बोलते हैं। और यहाँ पे गेम शुरू हो गई, बच्चों की गेम, बच्चों के लिए छोटी छोटी टेबल टेनिस, इतनी सी छोटी है ये, मेरे हाथ से भी छोटी। बास्केटबॉल हो गई बच्चों के लिए, स्कीपिंग बच्चों के लिए, ये बच्चों के लिए, ये भी है। खास में बोले तो ये सारा बच्चों के लिए, लेकिन सारा बच्चे नहीं, ये चीज़ मेरे को मिल जाए तो मैं भी लेके जाऊंगा, ये तो बच्चे की बात, बच्चा गया बाढ़ में मैं लेके जाऊंगा ये। मेरे को दे दो तुम लोग, ये मेरे को दे दो स्पेशली यहाँ पे से, तो यही लेके जाऊंगा मैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, लंबगिनी हुरेगा, ये भी चलेगा मेरे को, ये भी चलेगा, अरे ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, अरे यार कितनी अच्छी है यहाँ पे सारी चीज़ें। इस मतलब वो लाइटिंग की वजह से है या किसकी वजह से मेरे को पता नहीं, यहाँ पे सारी चीज़ें इतनी अच्छे से मिला के रखी हैं इन लोगों ने कि देखते देखते अबे ये तो पिंकी लैंड आ गए हम। और यहाँ पे ये देख लो, यहाँ तक था लड़कों का, उसके बाद लड़की का शुरू है, तो हम यहाँ से मोड़ लेते हैं जगह, वहाँ पे वो पिंकी लैंड में हमको नहीं जाना है अभी, हम दूसरे लैंड में जाते हैं, देखते हैं सारा आज। अब अच्छा ये लास्ट सेगमेंट है यहाँ पे, मतलब माउस है,
कीबोर्ड है और प्ले मतलब कंट्रोलर है। ये तो सस्ते हैं सब, महंगा वाला भी होता है लेकिन वो सस्ते हैं। ब्रदर का प्रिंटर जो हम देख चुके हैं, यहाँ पे ये हो गया जो देख चुके हैं। कैमरा देखते हैं एक बार, लैपटॉप भी ठीक ही है, हमने देखा था, है ना। पियानो, तुम्हारा भाई अब पियानो बजाएगा, देखो देखो, बोलो कोई भी धुन बोलो मेरे को। रुको मैं एक ध्वनि बजा देता हूँ, तुम्हारा भाई टैलेंटेड है। ये अच्छा वाला धुन था, कोई नहीं बाद में सीख लूंगा मैं। अभी तो मेरे को आता नहीं है, एक धुन सीखा था मैंने सेप अप यू पहले भी, अभी तो आता भी नहीं है वो भी। यहाँ पे टीवी मॉनिटर है, आगे देखिए एक अंकल जी वहीं पे बैठ के सुमो देख रहे हैं, ये देखो चिल है। चाचा हमारे चिल में है, क्योंकि चाचा हमारे विधायक है, इसलिए बहुत ही चिल है। वो देख रहे हैं मतलब, अब घर में छोटा टीवी देखने से अच्छा है यहाँ पे आके अच्छा सा बड़ा टीवी देख लो, है ना। कितना मोटा यार ये तो। चाचा डोंट गिव अ यफ अबाउट एनीवन। चाचा देख रहे हैं सुमो, वो भी यहाँ पे आके, और मेरे को अभी अभी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो सुबह से यहीं है। और ये स्क्रीन तो देखो कितनी बड़ी है, इतनी ज़्यादा स्क्रीन मेरे को पसंद नहीं है यार, मैं निकल जाता हूँ यार। ये सेटअप देखो कितना अच्छा सेटअप है। अरे कैमरा मिल गया। कितना छोटा सेक्शन है यार कैमरा का। हाँ ये अच्छा है, सफ़ेद में काला लेंस लगा दिया, कितना वेड सा लग रहा है। ये अच्छा है। ऑन करता हूँ, खींच लिया मैंने फोटो तो खींच ली, लेकिन अब छोड़ दो, मैं नहीं खेल रहा ये। कहीं कुछ हो जाएगा तो मेरे से ये लोग पैसा। अरे ये अच्छा है, किसका किस एक्स 10 EOS किस एक्स 10, ये भी अच्छा है। 130 मतलब 130,000 का है। ये सोनी का भी अच्छा है, ये 99,000 का है, सिर्फ 99,000। नाप तोल वाली फीलिंग आ गई यहाँ पे मेरे को 99 से मुझे। ये भी छोटे वाले कैमरा हो गए, जो आपको मैं कितनी बार दिखाऊँ, ये तो हमने देख ही लिया है सारे। और यहाँ पे डेस्कटॉप है, मॉनिटर है, सब एकदम क्लासिक वाले हैं। मतलब यहाँ पे ये स्क्रीन देखकर मेरे को यहाँ पे ये एरिया है ना, हाफ एरिया, ये एरिया सारे स्क्रीन से भरे हुए हैं, इसलिए आँखें है ना इधर उधर हो जाती है, इसलिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता, ये मेरे को पसंद नहीं है। ये कीबोर्ड अच्छे हैं, आँखें जो भी हो जाए अपने आँखों को बचाओ। अरे मेरे को गर्मी होने लगी, अब तो निकल जाता हूँ मैं। ये रिंग लाइट के आगे देखो, फिनिश करता हूँ यहाँ पे, आ रहा है। तो आज का ब्लॉग देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस, और ऐसे ही ब्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जापान के सारे एरिया हमें घूमता रहता हूँ, और जापान के नए नए शॉप में मैं जाता रहता हूँ, और भी शॉप में जाता हूँ, इसलिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मिलते हैं आपको दूसरे एपिसोड में। राधे राधे।